हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि अपने लैपटॉप में सेव किसी भी वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड कैसे देखा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा या जैसे कई बार हमारे फ्रेंड्स लोग क्या करते हैं कि हमारा लैपटॉप अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने राउटर का पासवर्ड नहीं बताते हैं, जिसको कि हम जानने को बहुत उत्सुक रहते हैं, या और भी कोई कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने लैपटॉप में सेव वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड देखा जाता है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के साथ और शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नेटवर्क सेटिंग में जाकर अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे और वाईफाई कनेक्ट करने के बाद हम ये नेटवर्क आइकन पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते ही हमें यहाँ पर ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ओपन हो जाएगा। आप इसको सर्च बॉक्स में जाकर कंट्रोल पैनल टाइप करके और उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट और उसके बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करके भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक्सेस टाइप में बता रहा है कि हम वाईफाई से कनेक्ट हैं, तो हम इस वाईफाई नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही इसकी थोड़ी बहुत डिटेल हमारे सामने नज़र आएगी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पीड में 150 Mbps दिखा रहा है, और अगर जो आप इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करते ही ये हमें इसकी IP, DNS इत्यादि सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसके बाद हमें अपना पासवर्ड जानना है, तो हम वायरलेस प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे नेटवर्क का नेम और SSID, नेटवर्क टाइप सब दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद हम सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे और सिक्योरिटी पर क्लिक करते ही ये सिक्योरिटी टाइप बता रहा है कि ये कौन सा सिक्योरिटी है, किस तरह की सिक्योरिटी है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ पर पासवर्ड है वो स्टार की तरह दिखाई दे रहा है और हमें ये कैरेक्टर में चाहिए, तो हम यहाँ पर 100 कैरेक्टर्स पर क्लिक करेंगे। और अब देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक करते ही हमारा पासवर्ड हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सबको ब्लर किया हुआ है, इसके लिए आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, ये ब्लर करने के लायक ही हैं, क्योंकि जो IP DNS होता है या हमारे सिस्टम का लोकेशन होती है, हमारी लोकेशन होती है, जो कि पब्लिश नहीं करनी चाहिए, इसको हमेशा छुपा के ही रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक फ्रेंड ने फेसबुक पर मैसेज भेजा और मुझे उन्होंने लगभग 3-4 IP भेजी और मेरे को पूछने लगे कि मेरी कौन सी IP है, ये मेरी कौन सी IP है। दोस्तों, मैंने उनको अपने एक वीडियो जो कि मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड करके रखी थी, मैंने उन्हें वो देखने के लिए बोला। और साथ ही साथ मैंने उनको ये भी बोला कि कभी भी अपनी IP, चाहे वो आपकी लोकल IP है, चाहे स्टैटिक IP है, चाहे सर्वर IP है, कोई सी भी IP है, कभी भी उनको पब्लिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप सीख चुके हैं कि अपने लैपटॉप में सेव किसी भी वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड कैसे देखा जाता है। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे कि हमारा हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि किस तरह से अपने लैपटॉप में यूज वाईफाई डाटा को रिसेट किया जाता है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के साथ और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। थैंक्स।